Good evening. Welcome to the light classes. Today we are going to study pronouns. As we have earlier studied articles, correction of articles, nouns, along with their corrections up to the level of NDA exams. So children, I am trying to fulfill your needs. Whatsoever is there, kindly let me know. तो आज बढ़ते हैं हम लोग प्रोनाउंस के सेक्शन में. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ प्रोनाउन? व्हाट इज अ प्रोनाउन? राम इज अ गुड बॉय. राम स्टडीज इन क्लास 10. राम के बारे में ही हमने बोला, दो सेंटेंसेस बोले, बार बार राम राम आया. राम इज अ गुड बॉय. राम स्टडीज इन क्लास 10. राम इज अ गुड बॉय, ही स्टडीज इन क्लास 10. सो व्हाट इज ही? ही इज द वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ राम. एंड व्हाट इज राम? राम इज अ नाउन. व्हाट इज राम? राम इज अ नाउन. So very simply we can define pronouns. Pronouns are the words used instead of nouns. Pronouns are the words used instead of nouns. Noun की जगह पर use किए जाने वाले words को हम क्या बोलते हैं? Pronouns बोलते हैं. So let's begin with our topic. Pronoun. A pronoun is a word used instead of a noun. A pronoun is a word used instead of a noun. Features of pronouns, ये हम आगे पढ़ेंगे. थोड़ा सा it's a bit difficult. First of all, let's have knowledge about pronouns. Kinds of pronouns. Pronouns are of many kinds. We are going to discuss here about six types of pronouns. Personal pronoun number 1, reflexive pronoun number 2, number 3 demonstrative pronoun, number 4 indefinite pronoun, number 5 distributive pronoun, and number 6 is relative pronoun. One number, personal. Number 2, reflexive. Number 3, demonstrative. Number 4, indefinite. Number 5, distributive. And number 6 is relative pronoun. Let's start with personal pronoun. Personal pronoun has three persons. First person, second person and third person. First person pronouns, first person personal pronouns, I, my, mine, me, we, our, our, ours, ours, us, I, my, mine, me, we, our, ours, us, all these are first person pronouns. Second person pronouns are you, your, yours, and third person pronouns are he, his, him, she, her, hers, it. All these are third person pronouns. So let's begin with the description of first of all, we have discussed about types of personal pronouns also. I have told you, given you the examples. Let's go in detail with reflexive pronouns. What are reflexive pronouns? When self is added, when self is added to my, your, him, her, it, and selves, S-E-L-V-E-S, selves is added to our, our, your,
वी गेट कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस। तो हम लोगों ने देखा कि पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस आए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में हमने रूल सीखा, क्या रूल सीखा, व्हेन सेल्फ इज एडेड, जब सेल्फ ऐड कर देते हैं माई में तो बन गया माई सेल्फ, सेल्फ ऐड कर देते हैं योर में बन गया योर सेल्फ, हिम में कर देते हैं हिम सेल्फ, हर में कर देते हैं हर सेल्फ, इट में कर देते हैं इट सेल्फ बन जाता है। और जब सेल्व्स एस ई एल वी ई एस सेल्व्स ऐड कर देते हैं आवर आवर सेल्व्स, योर योर सेल्व्स, देम देम सेल्व्स, हमको जो प्रोनाउंस मिलते हैं वो कंपाउंड प्रोनाउंस आ जाते हैं। व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, जब कोई एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक, जब सब्जेक्ट ने जो किया एक्शन वो टर्न बैक हो गया तो उसको कहेंगे रिफ्लेक्ट बैक। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, कब हो जाता है, व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न बैक अपॉन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ऊपर ही वो टर्न बैक हो जाता है, सेल्फ इज एडेड टू द प्रोनाउन, तो उस समय सेल्फ एड कर देते हैं किसके किसके साथ में, प्रोनाउन के साथ में, एंड इट बिकम्स अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट रिटर्न्स बैक टू द सब्जेक्ट इटसेल्फ, व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट रिटर्न्स बैक टू द सब्जेक्ट इटसेल्फ इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल, आई हर्ट माई सेल्फ, आई कौन है, सब्जेक्ट है, माई सेल्फ कौन है, वो एक्शन जो हो करके आई हर्ट माई सेल्फ, तो मैंने जो एक्शन किया वो अपने ही ऊपर किया, वो एक्शन मेरे ऊपर ही टर्न हो गया, आई हर्ट माई सेल्फ, तो ये किस तरीके का प्रोनाउन है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ही हर्ट हिमसेल्फ, ही हर्ट हिमसेल्फ में सब्जेक्ट कौन है, ही है, उसने हर्ट किया, किसको किया, अपने आप को किया, तो यहां पर ये कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ईच ऑफ दीज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, तो इनमें से हर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो सेम पर्सन से ही रिलेटेड है। व्हेन मोर देन वन पर्सन इज इन्वॉल्व्ड इन द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, When more than one person is involved, the reflexive pronoun conforms to the first person. जब एक से ज्यादा person हो जाते हैं reflexive pronoun में, तो reflexive pronoun क्या करता है, confirm करता है first person को। When more than one person is involved, जब एक से ज्यादा व्यक्ति किसी sentence में आ जाते हैं, जब एक से ज्यादा व्यक्ति किसी सेंटेंस में आ जाते हैं, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कन्फर्म्स टू द फर्स्ट पर्सन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कन्फर्म किसको करता है, फर्स्ट पर्सन को। फॉर एग्जाम्पल, यू मोहन एंड आई मस्ट नॉट डिसीव अवर सेल्फ्स, यू मोहन एंड आई मस्ट नॉट डिसीव अवर सेल्फ्स, तो यहां देखेंगे यू थर्ड पर्सन है, मोहन भी थर्ड पर्सन है, लेकिन आई कौन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है आई। ठीक है, तो यहां पर कौन बना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कौन बना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यू मोहन एंड आई में से आई का हमने क्या कर दिया, यहाँ पर यू मोहन एंड आई मस्ट नॉट डिसीव अवर सेल्फ्स, अवर सेल्फ्स मतलब हम, अवर किसको बोलते हैं, हम फर्स्ट पर्सन को अवर बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन में अवर आता है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसका बनेगा, फर्स्ट पर्सन का बनेगा। मोर देन वन सब्जेक्ट है यहाँ पर,
यू मोहन एंड आई सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विल कन्फर्म फर्स्ट पर्सन. तो यहां पर क्या हो गया, अवर सेल्फ्स लिखने से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ने कन्फर्म कर दिया किसको, फर्स्ट पर्सन को. यू एंड मोहन मस्ट नॉट डिसीव योर सेल्फ्स. यू एंड मोहन मस्ट नॉट डिसीव योर सेल्फ. ये हम दो सब्जेक्ट है, यू एंड मोहन. यू एंड मोहन दोनों क्या है, ये दोनों जो है वो सेकेंड पर्सन में आ रहे हैं, ठीक है. यू एंड मोहन मस्ट नॉट डिसीव योर सेल्फ. तो यहां पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नहीं है कहीं पर भी, यहां पर कहीं भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नहीं है. यू एंड मोहन मस्ट नॉट डिसीव योर सेल्फ इसीलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर कोई भी फर्स्ट पर्सन इन्वॉल्व नहीं है. इसी के डिटेल में बढ़ रहे हैं हम लोग आगे, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. नाउन की जगह पर यूज होने वाले वर्ड को क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं. प्रोनाउन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सिक्स टाइप्स के हैं, और फर्स्ट टाइप के प्रोनाउन को बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन में आ गया फर्स्ट पर्सन आ गया, सेकेंड पर्सन आ गया, थर्ड पर्सन आ गया आपका. और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब बनता है, जब सेल्फ ऐड कर देते हैं. किसमें ऐड कर देते हैं, माई योर हिम हर इट सब में सेल्फ या सेल्फ्स ऐड कर देते हैं तो कौन बनता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, व्हेन द सब्जेक्ट, व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट रिफ्लेक्स बैक टू द सब्जेक्ट ओनली. व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट रिफ्लेक्स बैक टू द सब्जेक्ट ओनली इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स के एग्जाम्पल्स में आया आई हर्ट माई सेल्फ, ही हर्ट हिमसेल्फ. हर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेम पर्सन को रिप्रेजेंट करता है. तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके डिटेल में अब हमने स्टार्ट कर दिया है. एंड वी विल कंटिन्यू प्रोनाउंस टिल एरर्स इन एरर करेक्शंस इन प्रोनाउंस. थैंक यू, गुड बाय, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल.